कैदियों, आज हमें जादूगर जोजो अपने गांव के कुछ संस्कारी ट्रेडिशन से रूबरू करवाएंगे। तुम बुरी और असंस्कारी हो मैडम, और बहुत बदसूरत भी हो। रिवर्स गियर चंद हमारे पूर्वजों का ऐसा वंश है जो अपना सारा काम रिवर्स में करता है, और जो वो बोलना चाहता है हमेशा उसका अपोजिट बोलता है। ये तो बड़े ही अच्छे संस्कार है। अरे मुझे भी ऐसा रिवर्स में बोलना है। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल सीधा बोलना है। मुझे सब जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलना है। तो मुंह बंद करो और सिर्फ सुनो खोचो। अरे तुम समझे मेरे भाई, मतलब जब मैं सीधा बोलूंगा वो एक्चुअली अपोजिट होगा। नहीं नहीं, मतलब मैं जो अपोजिट बोलूंगा वो सीधा होगा। अरे मुझे पत्थर तोड़ने का ऑपोजिट नहीं आता। ऐसे रास्ते के बीच में कोई खड़ा रहता है क्या? अरे मिस्टर कैट, क्या तुम मुझे एक मजबूत पत्थर दे सकते हो जहाँ सर ना पटक कर मेरा सर फट जाए? अरे नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए था, इससे तो मेरा काम और बिगड़ जाएगा। आखिरकार एवरल को कोई मिल गया जो उसे समझ सकता है। मस्त वाला आइडिया आया है। अगर शेरू एवरल की बात समझ रहा है तो हम उसके पास से जेल की चाबियां मंगवा लेते हैं। लेकिन अगर शेरू ने कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर मेरे भाई? एवरल, शेरू को एक और टास्क दो। मुझे नहीं देना, मुझे उसे टास्क में क्या नहीं देना। जब मैं मारूंगा ना तब हाथ का ऑपोजिट पैर होगा, समझा? शेरू या ठीक है, तो पहले एक इजी टास्क दो। इससे कहो कि जाके गार्ड को काटे। मिस्टर कैट, उस गार्ड को प्लीज मत काटना। काटा, मुझे शेरू ने काटा, मैं नहीं छोड़ूंगा। जेलर ने डांटा तो क्या हुआ? सिर्फ डांटा नहीं, बहुत डांटा। इसीलिए अब मैं किसी की कोई बात भी नहीं सुनने वाला, चाहे उसके बदले में कुछ भी मिलने वाला हो। अरे नहीं दूंगा, मेरा काम नहीं करोगे तो मैं नहीं दूंगा। इसे चाबी लाने का कहो। अरे लेकिन चाबी का अपोजिट क्या है? चाबी दरवाजा खोलती है, तो हम उसे कुछ ऐसा लाने को कहेंगे जो दरवाजा बंद कर दे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। मिस्टर कैट, कुछ ऐसा मत लाना जिससे हमें भागने में मदद मिले। वाह, तुम तो बड़े होशियार निकले मेरे भाई। मैं समझ गया, तुम जो बोलोगे उसका उल्टा मुझे करना है, है? अगर ऐसा है तो हम सीधा बोलते हैं, कुछ ऐसा लाओ जिससे हमें भागने में मदद मिले। बहुत सारे लोग हैं, उल्टा करवाने के लिए सीधा बोल रहे हैं। मुझे टेस्ट में पास होना होगा। शेरू को तो कल सुबह देख लेंगे। अब सो जाओ लंबूचान। अरे भाई, सीधा आदमी हमेशा ऐसे ही सोता है। मस्त वाला आइडिया। अरे भाई, यहाँ गार्डन में बैठे हो का? अब हम चारों भाई ऑपोजिट हो गए, और काम करने का ऑपोजिट है अच्छे से आराम करना, समझे? नहीं 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 नहीं, ज्यादा कंफ्यूज मत करो। तुम्हारी भाषा में कहूँ तो अगर तुम रूल्स फॉलो करोगे तो तुम्हें जेल में नहीं डालेंगे। लेकिन अगर एक कैदी रूल फॉलो करता है तो जाहिर सी बात है कि अपोजिट वाला फॉलो नहीं करेगा, ये बात भी समझ लो। लगता है बीमारी कंटेजियस है, तुम्हें हम सबको एडमिट करना होगा। मैंने डॉक्टर बुला लिया है, वो किसी भी वक्त आता होगा। हमें किसी तरह इस बीमारी को जेल में फैलने से रोकना होगा। शेर का डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, ये गांव की बीमारी है, हमें गांव ले चलो जेलर साहब।
बस इसी तरह हम जेल से बीमार बनकर बाहर निकलेंगे और मौका पाते ही कल्टी खाएंगे। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, भागने का ऑपोजिट मतलब जेल में वापस आना। हमें समझ में आ गया, गांव वाले का अपोजिट जेल वाला, आजादी का अपोजिट कैदी, मतलब कैदी का अपोजिट आजादी, इसीलिए जेल वाले का अपोजिट गांव वाला। मतलब क्या बीमारी संक्रामक नहीं है? साधारण टाइटंस भाग रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो जेल वापस जा रहे हैं। जाओ और उन्हें मत पकड़ो। मैंने कहा ना बीमारी संक्रामक नहीं है। थैंक यू। चार झूठे बीमार आदमी असली प्रॉब्लम में फंस गए हैं। ए, तुम अपने आगे नहीं देख सकते थे क्या घोचो? अरे देख सकता था। अपोजिट मत बोलो। तो डाल्टन्स, अब तुमने अपोजिट बोलना बंद कर दिया क्या? मैं अपोजिट को अपोजिट बोलूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? तुम अपोजिट बोलोगे कि तुम अपोजिट होकर अपोजिट बोलोगे? हाँ। किसको चाबियां चाहिए थी? किसका ऑर्डर था ये? यहू, सर डिलीवरी लेकर आया हूँ। दरवाजा खोल दो। जगह ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बड़ी मैंने इन बाणों का पीछा किया है। मिस्टर पी बोरी जी, मेरे साथ जल्दी चलो। ये देखिए, शानदार है ना? और ये क्या है? एक पर्सनल फव्वारा। साथ में नहाना हमारे संस्कार नहीं। मुझे कैदियों को उनकी प्राइवेसी वापस देनी है। अगला। एक मस्त वाला आइडिया आया। फव्वारा मतलब पाइप, और पाइप मतलब पाइप का मतलब वो नाले, और नाले का मतलब हुआ छुटकारा। अरे क्या हुआ, छुटकारा नहीं? ये फिर से बार आ गया, अपना दिमाग लगाना बंद करो। कोई शक? अरे डरो मत, बच्चे की जान लोगे क्या? ठीक है, अब हम लोग यहाँ से भागना शुरू करेंगे। बिना गड्ढे खोदे यहाँ से कैसे निकलेंगे? तेरा भाई और उसके सिपाही कुछ भी कर सकते हैं। एलियंस आ गए हैं मुझे अपने प्लैनेट वापस ले जाने के लिए। इश, ये क्या किया? अभिषुम, क्या मत चला? कैसा? इश, क्या बात छोटी है? मुझे थकेलो नीचे। और अच्छिल को जमाना भेजा इस्तेमाल करने का था। और कोच, वो तुम लोग रहने दो, मैं कुछ सोचता हूँ। चलो जाओ साबुन लेके आओ। अच्छा तो साबुन ऐसा दिखता है? इस इतने से क्या होगा? बाकी सब एवरल खा गया। चलो ऑपरेशन साबुन शुरू करते हैं। इतना लंबा चाहिए, कोई शक? अरे देखो शक तो है, तुम्हारा इतना सा हमारा इतना सा होता है कि नहीं? तुम मुझे साबुन दो, मैं तुम्हें हड्डी दूंगा। मैं मेरा साबुन किसी और को नहाने नहीं देता हूँ, लेकिन हड्डी के लिए कुछ भी।
मुझे शक है इससे कुछ नहीं होगा। We have to change the plan। साबुन का ऑर्डर? जेलर साहब, यहाँ जगह बहुत गंदी रहती है और वैसे भी हमारा 8 हाथ है, 8 पैर है और 4 नाक। स्वच्छता ही सफलता की चाबी है और यही तो हमारे संस्कार है ना? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। ये आइडिया सबको बहुत पसंद आएगा। मेरा साबुन नहीं। कितनी अच्छी खुशबू, ऐसे तो खा सकते हैं। चलो नहाने का टाइम हो गया। ये एलियंस मेरे सपनों में आए हैं, शायद इस बार तो मुझे ले ही जाएंगे। अब हम लोग मस्के की तरह घुस जाएंगे। यश, रचल गोजो, इतना बढ़िया प्लान बनाया, कोई तो तारीफ करो मेरे। अरे भाइयों, मैं बता गया हूँ, हम लोग इधर है। अरे इधर किधर? वहाँ वहाँ। अच्छा वहाँ। किसी के पास इस जगह का नक्शा है क्या? भाई के प्लान पे शक नहीं करते। ये क्या, आज काले धुएं की जगह बुलबुले? बुलबुले देख के मुझे गुदगुदी होने लगती है। एक ही बार में उड़ा दूंगा, लगी 10 की। लग गए। बंदूक नहीं पीठ, इन डाल्टन से हम और 100 साल तक काम करवाएंगे। बंदूक नहीं तो डांट से सही। मेरे गांव वाले आ गए, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तैयार हूँ। अपने सेल में जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। और हाँ, ये फव्वारा निकाल दो और आगे से ध्यान रखना। पी बोरी जी, इतना अच्छा फव्वारा वेस्ट करना हमारे संस्कार नहीं। अब और खर्चा नहीं। लगाए ब्लू टीम पर 10-10 का। लगी। एक मस्त वाला आइडिया आया। सोचा। एक्सरसाइज है, अज्यूम करो कि जेल में आग लग गई है। ये मेरी पहली फायर एस्केप है। ये सायरन पिछली बार के सायरन से बहुत अच्छी लग रही है। 59 सेकेंड्स, नया रिकॉर्ड, अगली बार फिर से नया। जरा चाबी देना। मेरे पास तो नहीं है। क्या किसी ने भी चाबी नहीं ली? कोई रॉकेट है? 11, तुमने फिर से छोटा गड्ढा खोद दिया। 11, सब लोग गए कहाँ? सब कहाँ है? अरे तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? डाल्टन सम फायर एस्केप एक्सरसाइज के लिए बाहर आए थे और चाबी लाना भूल गए। तुम अंदर हो तो दरवाजा खोल दो प्लीज। नहीं खोलूंगा।
नहीं खोलूंगा मतलब क्या? और नहीं मतलब हो, नहीं मतलब नहीं। मतलब हम भागने वाले नहीं है। अब ये जेल हमारे कब्जे में है, इसे अपना ही घर समझो भाई लोगों को शक। अब हम क्या करेंगे? कैदियों को खुला छोड़ना ये हमारे संस्कार नहीं है। ये एक्सरसाइज कब खत्म होगी? हमें पत्थर भी तो तोड़ने हैं। गांव के लोग अगर देख लेंगे तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। तुम दोनों जल्दी से अंदर जाओ और दरवाजा खोलो, मुझे बाथरूम जाना है। बिना चाबी के कैसे जाएंगे सर? अपना दिमाग लगाओ सर के बच्चे। तुम सबको मुझे डराने की जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। यार तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ऐसे हमारे घर में घुसने की? हमें अंदर घुसने के लिए डाल्टन्स की तरह सोचना होगा। आराम से बैठो और इस राइड के मजे लो। कभी नीचे से डराते हो तो कभी ऊपर से डराते हो। मैं अब छुपू तो कहाँ छुपू बताओ अब? हाँ, मैंने तो कहा था मजे लेना। खाना तैयार है, मैंने कुछ अलग बनाया है। क्या बनाया आज? वो तो पता नहीं, मेरे हाथ में जो जो आया सब डाल दिया। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या बनाया है? जो आया सब डाल दिया है, लकड़ी पत्ते सब कुछ। एक तो पहले से बाथरूम जाने नहीं मिला। ये रास्ता गलत है भाई, लगी दस दस के लगी। क्या आजादी की हवा, लेकिन यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। हाँ ना, इस मौसम में ज्यादा हवा चलती ही नहीं है। अरे भाई ये लग रहा हूँ ना मस्त गार्ड, बस समझ में नहीं आ रहा नजर किस पे रखूं। अरे तुमसे बात करके मेरा सिर दुख जाता है। अब चारों अलग अलग बेडरूम में सोएंगे। इसमें से चीजों की आवाज ही नहीं आ रही है। घर होता ऐसा कोई शक। यार कौन है? मैं हूँ भाई। मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है, मैं यहाँ सो जाऊँ क्या? माफ करना, लेकिन क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ तुम्हारे साथ? सो जा। इससे पहले कि ये मुझे और डराए, मैं अपने प्लैनेट वापस चला जाता हूँ यहाँ से तुरंत। ये क्या, यहाँ पर तो पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं। गड्ढा, शेरों ने गड्ढा खोदा है, चलो अंदर चले। आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये दरवाजा खोलो जो सुबह से बंद है। किसी को नींद से उठाना हमारे संस्कार नहीं है। ये अब यहीं रहेंगे। ये जेलर साहब, हमें बाहर आने दो। लेकिन कैसे? शायद मैंने चाबी घुमा दी है। दरवाजा खोलो और बार बार देखो, हम बोले थे ना
हमको पता था हम गलत जगह जा रहे हैं। अरे भाइयों थोड़ा स्लो चलो ना। अरे स्लो चलने बोला था रुकने थोड़ी, अब आगे कहाँ? राइट लेफ्ट जाना है। सॉरी राइट जाते हैं। अरे जैक और विलियम किधर गए? यहाँ मैंने पूछने आए हैं, चल चल। सारे गड्ढे बंद कर देते हैं और ऊपर मस्त क्रिकेट ग्राउंड बनाते हैं। तुम ज्यादा दिमाग मत चलाओ। अरे ये परफ्यूम तो मेरा फेवरेट है, अभी कैंगरूज को ढूंढ निकालता हूँ। शेरू कितना टैलेंटेड है। अरे ये कितना क्यूट बनी है। अरे तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बनी मेरे भाई? एक काम करते हैं, चारों तरफ फैल जाओ, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। अरे जी लो जिंदगी। हम उनके बहुत करीब हैं। मुझको मेरे हवाले कर दो। कुछ ऐसा करना होगा कि वो हमें देख ना सके। अरे क्यों, चिंता मत करो, अब हमें कोई नहीं देख पाएगा। वो देखो वहाँ लाइट्स है। रोशनी पौधा, खाना मत, ये बहुत जहरीले होते हैं। लेकिन इसमें नमक बहुत कम है। तुमने सुना मैंने क्या कहा? नहीं, तुम सब ने ये पौधा खाया? नहीं। अरे तुम भी खा कर देखो, देखो तो ये खाने से शरीर में अलग सी चमक आ जाती है। वो चमक नहीं है, घन चक्रो। चलो अब हाथ ऊपर करने का टाइम। तुम दोनों डाल्टन्स को लेकर नहीं यार वापस जाओ। पहले तुम जाओ भाई। नहीं नहीं, पहले तुम जाओ। वेरी गुड। ये क्या चालू बंद हो रहा? मेरा पेट दुख रहा है भाई। तो किसने कहा था पौधा खाने को? हाँ माँ ने कहा था कि हरी सब्जी खानी चाहिए। चलो आगे बढ़ो। तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन हमका बहुत डर लग रहा। मैं दूसरे प्लेनेट से हूँ इसलिए डरता नहीं। एवरल लाइट, एवरल जी सामने से आ रही है। खजाना। जितना हो सके उठाओ और निकलो। सुना तुमने ये कैसी आवाज है?
ये तो डाल्टन है, हमने कहा था ना। पतली गली पकड़ा। तुमका देख के बहुत खुशी हुई भैया। मत भागो प्लीज। मैं भी आ रहा हूँ। आजादी और खजाना। आज का दिन पवित्र है। हमारा खोया हुआ खजाना वापस लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। 400 साल पुराना खजाना तुम वापस ले आए। लाओ मुझे दे दो इसे। चलो अपने सेल्स में वापस डाल्टन। वैसे क्या तुम मेरे परिवार का 500 साल पुराना खोया खजाना ढूंढने में मदद करोगे? मैं ढूंढ के रहूंगा खजाना, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा खजाना हमारे हाथ से निकल गया। ये आधा आदमी आधा ट्यूबलाइट को बंद करने का स्विच का। और अब जादूगर जोजो हम सबके सामने पेश करेंगे अपना वेदर डांस। बहुत सिंपल है। वातावरण में गर्मी बढ़ाने के लिए बाएं जाओ। जिंगा लाला गर्मी, जिंगा लाला गर्मी, जिंगा लाला गर्मी, जिंगा लाला गर्मी। और गर्मी को ठंडी में बदलने के लिए अपने दाएं जाओ। जिंगा लाला ठंडी, जिंगा लाला ठंडी, जिंगा लाला ठंडी। इसे पहले कहीं देखा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं देखा। तो फिर ऐसे ताली बजाने का। झिंगा लाला हो, झिंगा लाला हो। बर्फीला मौसम, बर्फीला मौसम। जादू करो और ये वेदर चेंज करो। ये एक जेल है, कोई गार्डन नहीं। संभालो, यहाँ स्लिपरी है। बस अब कल कोशिश करना। चलो रेसेस खत्म हुआ। इसे हटाने में क्या मदद कर सकते हैं जेलर साहब? ये देखिए हो गया। आइस क्यूब, बहुत अच्छे, मस्त शो पीस लग रहा है। गुड डाल्टन्स, अब जाओ बाथरूम साफ करने में क्रिएटिविटी इस्तेमाल करो। चलो कूदो, बिल्कुल डरना मत, बर्फ की वजह से चोट नहीं लगेगी। चलो डाल्टन्स को ढूंढते हैं, ठंडे मौसम में इवनिंग वॉक भी हो जाएगी। ठंडे मौसम में वॉक? वो हम इस बार नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या कहता है सर, अगर बर्फ इसी तरह पूरा साल गिरे तो काम इजी हो जाएगा? सबके लिए नहीं। कभी सोचा नहीं था बर्फ में सिर घुसाकर शीर्षासन करूंगा। मने बर्फ में पसीना हो रहा है। तो मैं क्या जादू से हवा लेकर आऊं? बस बस यहीं रुक जाते हैं। उनको भी कहीं ना कहीं तो आराम करने रुकना होगा।
बस बस यहाँ रुक जाते हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं आराम करना ही होगा। इतने ठंड में तो हमारी कुल्फी जम जाएगी सर, अच्छा हुआ टेंट ले आए। इतनी ठंडी में हमारी कुल्फी जम जाएगी, चलो इग्लू बनाते हैं। ये इंटीरियर डिजाइनिंग जरूरी है क्या? चलो अब चलते हैं। दरवाजा जम गया है। अरे हाँ तो उठा लो दम लगा के। इतना ज्यादा चलूंगा तो मेहनत से बढ़ाया हुआ वजन कम हो जाएगा सर। अरे ये तो हमारा शेरू है। आ जाओ मेरे प्यारे शेरू। मेरे प्यारे शेरू तुम कहाँ हो? हम बस पहुंच ही गए, वो बॉर्डर क्रॉस कर ली तो आजाद। वो बॉर्डर मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, फिर से कोशिश करूँ क्या? जिंगलाला हो हो, जिंगलाला हो हो, जिंगलाला हो। लगता है फिर से गलत कर दिया मैंने। अचानक से इतनी हवा कहाँ से आ रही है? ये हवा आजादी की है। गेम ओवर, पिकनिक हुई खत्म। गर्मी का मौसम शुरू हो उससे पहले अपने जेल वापस चलते हैं।